बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनिक्स मार्केटिंग। इस वक्त हम इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल वस्त में खड़े हैं और ये जो आपको सामने एरिया नज़र आ रहा है ये गुलशन सेहत है और यहाँ से दूर ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं, ये फैसल टाउन यहाँ से नज़र आ रहा है और इससे आगे आगे ये जो सारी आबादी है गुलशन सेहत की है। तो ये जो अभी आपको ये जो थोड़ा सा ज़्यादा आबादी का एरिया नज़र आ रहा है, कंजस्टेड एरिया है, कुछ बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आ रही होंगी, घर बने हुए हैं। ये F17 है और अगर इधर से हम इस साइड पे टर्न लेते हैं तो ये आपको CPAC नज़र आएगा जो कि अभी ज़ेर तामीर भी है और इसकी इंटरचेंज बन रही है। इसी से मलहिका ये जो साथ आपको सड़क नज़र आ रही है बड़ी सी जिस पर गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये मोटरवे है जी और ये दोनों आपस में ज्वाइंट हुए हुए हैं। तो यहाँ से कोशिश करके तो देखा जा सकता है, ये पूरा मोटरवे के साथ साथ पैरेलल इसके चल रही है। तो इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इस तरफ आते हैं तो ये जो आपको पानी के टैंक्स नज़र आ रहे हैं, ये रोड्स नज़र आ रही हैं, ये AWT का एरिया है। ये AWT है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की जगह है, ये एक अच्छी आबादी है और इसका भी अपना इंटरचेंज है मोटरवे से। और इस तरफ अगर हम मज़ीद अपने व्यू को चेंज करते हैं तो इस तरफ हम देखते हैं तो ये तो आपको कुछ ने सेहत के बैक साइड पे नज़र आया था, इसी की अपोजिट फ्रंट साइड पे ये इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी है। इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी के साथ ये T17 का एरिया है जहाँ पर फिर थोड़ी ज़्यादा कंजस्टेड आपको आबादी नज़र आ रही है और यहाँ से इसी के पीछे B17 भी है, लेकिन यहाँ से जूम करना इस वक्त शायद मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ आने का मकसद और आपको एक जस्ट ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि जो लोग भी ट्विन सिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये एक हब है जी सोसाइटीज़ का। और दिलचस्प बात ये है कि ये तकरीबन तमाम सोसाइटीज़ जो हैं, AWT, फ़ज़ाइया, गुलशन सेहत, इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी, ये तकरीबन सारे इंटरलिंक हैं। इनके एक तो एक से ज़ायद रस्ते हैं, दूसरा ये है कि ये आपस में कनेक्टेड हैं। मोटरवे से इनकी अप्रोच बहुत मुनासिब है, बेहतर है। उसके अलावा जो GT रोड से है उससे भी बहुत आसानी से इन सोसाइटीज़ तक पहुँचा जा सकता है और एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाने का भी खातरखा इंतज़ाम मौजूद है। रोड्स बनी हुई हैं, रास्ते बने हुए हैं और जैसे मैंने गुजारिश की है कि इंटरलिंक है। तो ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आज हमने एक छोटी सी वीडियो शेयर की है ताकि आप डिसीजन ले सकें और आने वाला जो वक्त है वो यकीनन जो सराउंडिंग्स हैं वो CPAC और मोटरवे के करीब तरीन की जो आबादियाँ हैं तो उसी की तरफ बिजनेस का सारा रुख भी है और उसी तरफ ये सारा मामला चल रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अभी चूँकि जो पुराना इस्लामाबाद हाईवे का एरिया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक तो आबादी हो चुकी है, रश है, कंजस्टेड सा माहौल हो गया है, तो ये इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स के लिए और रहाइश के लिए जो कि अवेलेबल हैं तरनोल की सराउंडिंग में, मोटरवे के साथ, CPAC के साथ,